काजू बर्फी या काजू कतली, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं साधना तिवारी वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल। आइए बनाते हैं हलवाइयों के स्टाइल में बहुत ही डिलीशियस काजू बर्फी। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट रेसिपी के वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 250 ग्राम काजू लिया है। ये दो टुकड़े वाला है, आप दो चार जो भी लेना चाहें वो ले लें। और इसके बाद हम इसे पीस कर एक पाउडर बना लें। ये पाउडर बन गया है, ये वैसे तो फाइन बना है बट इसके पहले हम इसे छान लेंगे तो भी जो भी एक्स्ट्रा बड़े पीसेस हैं वो निकल जाएं और उसको हम फिर से ग्राइंड करके छान। ये मैंने पूरा पीस के पाउडर बना लिया है। अब हम एक कढ़ाई या पैन जो भी चढ़ाएंगे उसमें मैंने 125 ग्राम यानी 125 ग्राम चीनी डाल दिया है और इसमें उसका आधा यानी 60 ml पानी डाल दिया है और इनको चलाते हुए हम दो तार की चाशनी बना लेंगे। ये पानी खौलने लगा है, चाशनी बिल्कुल पकने वाली है। इसमें मैंने 4-5-6 केसर के धागे भी डाल दिए हैं, उससे उसका कलर बहुत अच्छा आएगा और वो एक फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। ये वैसे ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। चाशनी लगभग जितनी चाहिए मुझे वैसी बन गई है। अब हम इसमें वो काजू का पाउडर उसे डाल देंगे और इसको डालते समय हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसे चलाते हुए पका लेंगे और इसके जो लम्स है वो भी बीच बीच में फोड़ देंगे और ये 2 मिनट में ही बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर हम इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच घी। बस इसे 5 मिनट के लिए चलाएंगे और छोड़ देंगे इसे ठंडा होने के लिए। बस अब इसे एक थाली में निकाल लेंगे या किसी भी चौड़े बर्तन में निकाल लेंगे जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये लगभग ठंडा हो गया है। अभी हमें एक किसी भी जगह पे शीट पे और बटर पेपर को फैलाएंगे और हाथ में घी लगाते हुए इसको एक डो जैसा बना लेंगे इस तरीके से। ये मैंने डो बना लिया है और इसको हाथ से ऐसे फ्लैट कर देंगे। थोड़ा सा घी लगा देते हैं ऊपर से, घी इसलिए ताकि ये चिपके ना। और एक ऊपर से एक और बटर पेपर लगाकर और उसे हम बेल लेंगे। कोशिश करेंगे कि हमें ये एक रेक्टेंगल शेप में आए या चौकोर शेप में आए तो उसी तरह से बेलेंगे। ये मैंने बेल लिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर सिल्वर फॉइल लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप लगाएं या चाहे ना लगाएं बट थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाता है इसलिए हम लगा लेते हैं। और इसके अब ये साइड्स जो है वो एक्स्ट्रा वो कट कर देंगे और आप चाहें तो ऐसे भी काट लें। मैंने एक स्केल रख लिया है जिससे थोड़ा सा पीसेस बराबर कटे। तो इस तरह से एक सीधा और एक फिर टेढ़ा काटेंगे तो बिल्कुल डायमंड शेप में ये कट के रेडी हो जाएगी। और बस हम इस तरह से धीरे धीरे निकाल लेंगे। साइज और शेप आप अपने हिसाब से चूज़ भी कर सकते हैं। अब ये काजू बर्फी बिल्कुल बनकर तैयार है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और हाँ, इसको बनाने का एक्सपीरियंस भी आप मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।